भैया राम राम। हमें बुंदेली चुगली से नीरज, और हमें अबे भैया एक गांव में जहाँ पे आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आने हैं और मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को पूरा प्रभार है मध्य प्रदेश शासन के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री प्रभुराम चौधरी जी के पास। तो हमें भी मिल गया, हमें का एक हफ्ता से खरखा रहा है पूरे गाँव में, कहाँ पूरा कहाँ से पूरा जो अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग को जो वोट बैंक है उनको प्रबंधन उनको मैनेजमेंट हुए अपने पास ले आवे को पूरा दारोमदार प्रभु राम जी के पास है। और जहाँ प्रभु और राम दो ही लगे हो तो जो तो तय है कि वो वर्ग भी भाजपा के पास आ जाते, ऐसे भाजपा वाले दावा कर रहे थे। बहुत सारे मुद्दे में बात करने थी, लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश की चार जगह चुनाव है, एक लोकसभा, तीन विधानसभा और उनमें पृथ्वीपुर है। 30 तारीख के वोट डालने 30 अक्टूबर के, और मुश्किल से हफ्ता भर बच्चों उल्टी गिनती चल रही 22 से लेके और अब ये 30 पे वोटिंग डालने लगातार तैयारी चल रही। पृथ्वीपुर की स्थिति जो है कि इस बार बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारू, और इसे अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के जो मतदाता हैं भ्रम की स्थिति में थे एक हफ्ता पहले तक, जब तक प्रभुराम चौधरी तो नहीं आए थे कि हम कहाँ जाएं, अब बसपा नहीं है तो कहाँ, वोटर को बंटवारा ना हो पाए अकेला ने भाजपा संगठन ने और सत्ता कैबिनेट मंत्री मुख्यमंत्री सब ने मिलकर इन्हें इतने पे भेज दो। प्रभुराम जी आप लगातार क्षेत्र के दौरा पे हो, एक हफ्ता में कितनी परिस्थितियां बदली, कितने आपके समुदाय के वर्ग के मतदाता भाजपा के पक्ष में आ पाए? सभी अनुसूचित जाति के वर्ग के लोग, चाहे हमारे अहरवार समाज के लोग, चाहे हमारे अन्य दूसरे अनुसूचित जाति समाज के लोग हों, और या सामान्य वर्ग के हों या पिछड़े वर्ग के लोग हों, हर वर्ग का वोट भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। और सिर्फ पृथ्वीपुर विधानसभा की बात नहीं, मध्य प्रदेश में 3 विधानसभा के चुनाव और 1 लोकसभा का चुनाव हो रहा है। हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे। जो दावा तो भाजपा लगातार कर रही, लेकिन चुनाव मैदान में जब जनता के बीच आपके प्रत्याशी जाए, चाहे समर्थक जाए, भाजपा के नेता जाए, लगातार एक सवाल होता है, सरकार ने योजनाएं बहुत सारी अच्छी दी, आवास ही बने, लेकिन बहुत सारे भ्रष्टाचार की शिकायत आती है, भेदभाव की शिकायत आती है, ऐसे असंतोष के कहाँ तक पार्टी दूर कर पा रही है, आपके वर्ग के लोग कैसे संतुष्ट हो पा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, जनजाति के लिए, ओबीसी के लिए, और चाहे हमारे सामान्य वर्ग के गरीब लोग हों, हर वर्ग के लिए भारतीय जनता पार्टी ने योजनाएं बनाई और उन योजनाओं का लाभ जनता को मिल रहा है। आप अगर गांव में जाकर लोगों से मिलेंगे तो फिर आपको पता लगेगा कि कितने लोगों के प्रधानमंत्री के आवास बन चुके हैं, कितनी महिलाएं जो पहले हमारी चूल्हे में लकड़ी और कंडे से रोटी बनाती थी और अब उज्ज्वला योजना के अंतर्गत उन्हें गैस के कनेक्शन मिल गए हैं। और ये कोरोना काल में तो आप देख रहे हो, 1.5 साल से जो जनता को जो परेशानी आई, जो कोई ने सोचो नहीं था कि ऐसी बीमारी आ जाए, और जब बीमारी से निपटने के लिए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में पिछले 1.5 साल से हम लोगों ने लगातार मेहनत की है। आज देख रहा हो कि अभी कल ही 100 करोड़ को आंकड़ा हम लोग पार कर चुके हैं। तो जो योजनाएं हैं उनका लाभ गरीबों को मिल रहा है, चाहे हम प्रधानमंत्री आवास की हम बात करें, चाहे गरीबों को 1 रुपये किलो में राशन देने की बात करें। अब तो मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश में एक नई योजना लागू कर दी कि जो कई दिनों से लोग अपने घरों में तो रेत थे, उनके पिताजी रेत थे, उनके दादाजी रेत थे, लेकिन उनको पास कोई मालकाना हक नहीं था, भू अधिकार नहीं था। मुख्यमंत्री जी ने अब ये निर्णय लिया है कि जो जिस घर में रह रहा हो बाको को पट्टो बन जाए या उसको भू का अधिकार मिल जाए, वह वहाँ पे लोन भी ले सकता है, अपना मकान भी बना सकता है, बेच भी सकता है। ये भी योजना सरकार ने बनाई है। अभी कोरोना काल में एक बाल कल्याण योजना, जो लोग आज सरकार ने इतनी मेहनत की आप देख रहे हो, उसके बाद आज मध्य प्रदेश में स्थिति कंट्रोल में है और योजनाओं का लाभ जिन लोगों को अभी लोग रह गए हैं, जैसा कि 2011 में जो सर्वे हुआ था उसके अनुसार प्रधानमंत्री के आवास मिल रहे थे, अब आवास प्लस योजना बना दी, उसमें जो लोग छूट गए या एक परिवार में जिनके 2 बच्चे हैं उनकी शादी हो गई उनके भी बच्चे हो गए, अब एक ही घर है रह ही नहीं पा रहे, उनके लिए भी मकान अलग से दिया जाएगा। ऐसी योजनाएं जैसे स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आयुष्मान भारत निरामय योजना के अंतर्गत ऐसी योजना देश के प्रधानमंत्री ने बनाई थी और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हमने यहाँ कभी 2.5 करोड़ से ज़्यादा आयुष्मान के कार्ड बना दें। अब जिनके पास आयुष्मान के कार्ड हैं,
वे सरकारी अस्पताल के अलावा जो प्राइवेट अस्पताल हैं संबद्ध हैं उनमें भी इलाज करा सकते हैं। तो 5 लाख रुपए का इलाज एक साल में एक परिवार करा सकते हैं, जिससे मैं तो नहीं चाहता, ईश्वर से प्रार्थना कि कोई बीमार न हो, लेकिन अगर हो जाए तो गरीब आदमी को फ्री में इलाज हो जाए, चाहे सरकारी अस्पताल में चाहे प्राइवेट अस्पताल में, राशन मिल जाए। अभी कोरोना काल में देश के प्रधानमंत्री ने फ्री में राशन दे रहे हैं सबको, मध्य प्रदेश सरकार 1 रुपये किलो में दे रही, देश के प्रधानमंत्री सबको फ्री में दे रहे हैं, नवंबर तक ये फ्री में सब लोगों को मिलेगा। तो अनेक योजनाएं जो गरीबों को उनका फायदा हो रहा है, और आप जो कह रहे हो कि नहीं मिल रहा हो, आप मैं आपसे कहूँगा कि आप गाँव में जाएंगे तो आपको ऐसे सैकड़ों हर गाँव में लोग मिल जाएंगे जिनको भारतीय जनता पार्टी ने योजनाएं बनाई हैं, उनका लाभ मिल रहा है। कांग्रेस के लोग लगातार दावा कर रहे हैं कि हमारे 15 महीनों का शासन बहुत अच्छा, तो हमने फ्री बिजली बिल माफ कर देते और ऋण माफ कर देते, दुनिया भर के दावा कर रहे हैं। 15 साल को जो शिवराज सरकार को शासन, तो उसकी तुलना में 15 महीने से करके वही चुनाव में जनता के बीच जो मैसेज देने को प्रयास कर रहे हैं, इनमें कितनी सच्चाई है? जो भी कांग्रेस पार्टी के लोग कह रहे हैं, अगर कांग्रेस पार्टी के लोगों ने काम किया होता तो ना तो 22 विधायक कांग्रेस छोड़ते, विधायकों की सुनवाई नहीं थी, हम तो मंत्री आते, 6 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया, जनता के ना तो किसानों के पूरे कर्ज माफ हो पाए, ना जो दूसरे वादे किए थे 4000 रुपए बेरोजगारों को भत्ता देंगे, ना वो दे पाए, कुछ नहीं दे पाए, इसी के कारण तो सरकार गिरी। अगर काम करे होते तो आज सरकार गिरती नहीं, तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, शिवराज जी के नेतृत्व में अब योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है। लाभ संबल जैसी योजना कांग्रेस ने बंद कर दी, जिससे गरीबों का फायदा होता है, जो हमारी महिलाएं, जो हमारी गर्भवती महिलाएं होती हैं डिलीवरी के टाइम में, गरीब के लिए संबल योजना के अंतर और उनको 16,000 रुपया उनको मिलता प्रसूति सहायता, जो मुख्यमंत्री वो भी कांग्रेस के टाइम में बंद कर दी थी। तो ये कांग्रेस तो ने कोई काम ज़्यादा जनता के किए नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में शिवराज जी मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में हम चाहे किसानों की बात करें, चाहे हम गरीबों की बात करें, चाहे अनुसूचित जाति के लोगों की बात करें, हर वर्ग के लिए काम हो रहा हो। बुंदेलखंड में सामंतवाद एक बड़ा मुद्दा है, और इस चुनाव में भी लगातार जो मुद्दा बार बार आ रहा है, चूंकि जो राजनीतिक घराने से कांग्रेस ने प्रत्याशी उतारो है, कहूँ ना कहूँ ऊपर वार्ड से जो क्षेत्र प्रभावित रहो, ऐसे दावा बार बार भाजपा कर रहे थे, और चूंकि आप ऊपर के से आते हो, जी के ऊपर लगातार अत्याचार ही बुंदेलखंड में भय है, मतदाता भ्रम की स्थिति में है, एक तरफ बात हो रही है सहानुभूति के नाम पे, एक तरफ विकास के नाम पे बात हो रही, सामंतवाद एक मुद्दा है, ये आप कौन रूप में देखा था? ये प्रजातंत्र में इसमें कोई किसी से कम नहीं, सब लोगों का मतदान मत बराबर होता है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी वर्ग का हो, कितना ही बड़ा हो, कितना ही छोटा हो, सबका एक वोट का अधिकार है, और प्रजातंत्र में सब लोगों को अधिकार का है, उसका सब उपयोग करेंगे। और यहाँ लोग, मैं अभी कई अनेकों गांव में यहाँ मैंने दौरा किया है, रही बात हमारे आपने जो समाज की बात करी, सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों के लिए, अनुसूचित जाति के उत्थान के लिए योजनाएं बनाई हैं, इसलिए सब लोग भाजपा को जताएंगे। मुख्यमंत्री जी दलित परिवार में आज भोजन कर रहे हैं, ठाकुर दास जी के त्यौहार है, अहरवा जी के थे, और भी कई जगहों ने जाके इन परिवारों ने भोजन करो है। कांग्रेस लगातार इस चीज को मजाक उड़ाते हैं कि चुनाव आ गए इस कारण से ये कार्यक्रम हो रहे, इनके उपहास में या इनके दावे में कितनी सच्चाई है, आप ये कौन रूप में देख रहे हो? नहीं, देखिए मुख्यमंत्री जी सबके लिए, चाहे गरीब हो, चाहे सामान्य वर्ग हो, चाहे अनुसूचित जाति वर्ग हो, सबको एक साथ लेकर, और ख़ास तौर से गरीबों को ये जो योजनाएं बनाई हैं उनके प्रति जो उनका प्रेम है, और वो सब जगह, ऐसा नहीं कि आज चुनाव है, चुनाव नहीं हुए तब भी जाते हैं, किसी भी समाज का व्यक्ति हो, ख़ास तौर से अनुसूचित जाति के लोगों से, OBC के लोगों से उनका विशेष प्रेम रहता है, इसलिए उन्होंने खुद ही प्रोग्राम बनाते हैं और वो खुद जाते हैं। आज बड़ी पूरे अहरवाल समाज के लोगों को बड़ी प्रसन्नता और खुशी है कि हमारे जो ठाकुर दास जी हैं उनके घर पे आज आएंगे और वो भोजन करेंगे, और काफ़ी लोग यहाँ पर क्षेत्र के लोग यहाँ एकत्रित भी आ रहे हैं उनसे मिलने के लिए, उनसे अपनी बात करने के लिए, और वो कह रहे हैं कि हम तो आपके साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, बहुमत के साथ भाजपा जीतेंगे। प्रभुराम जी, आखिरी सवाल है, आप पूरे क्षेत्र में 1 हफ्ता से सक्रिय हो, मतदाता जो जानू चाहते कि भाजपा के वोट कायदे हैं, मतलब हम जो चाह रहे हैं कि आप जो बताओ कि आपके वोट
क्षेत्र के लोग या क्षेत्र के लोग भाजपा के वोट कौन आधार पे दें? नहीं देखिए, भारतीय जनता पार्टी को वोट लोग देना चाहते हैं, इसलिए देना चाहते हैं कि एक तो जो गरीबों के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, किसानों के लिए बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं बनाई, जैसे किसान के खाते में प्रधानमंत्री जो सम्मान निधि है 6,000 प्रधानमंत्री डालते थे, अब मुख्यमंत्री ने 4,000 हो, अब 10,000 हर एक किसान के, चाहे छोटो किसान हो, चाहे बड़ो किसान हो, चाहे एक एकड़ का हो, चाहे आधे एकड़ का हो, उसके खाते में हर साल 10,000, तो किसानों में प्रसन्नता है। गरीबों के लिए जब मुख्यमंत्री शिवराज जी चौथी बार बने तो 36 लाख ऐसे लोग थे जिनकी राशन की पर्चियां तो थी लेकिन उन्हें राशन नहीं मिल रहा, अब उन्हें राशन देना शुरू कर दो। प्रधानमंत्री आवास में जिन लोगों के नाम छूट गए, मान लो अभी तक उनको प्रधानमंत्री आवास में नंबर नहीं आया, नाम नहीं आया, प्रधानमंत्री आवास से योजना बना दी, उनका सर्वे में नाम जोड़ रहा हो, तो उनके भी पक्के मकान बन जाए। जिनको गैस चाहिए, गैस को चूल्हा चाहिए, कनेक्शन चाहिए, उनको प्रधानमंत्री पहले उज्ज्वला योजना बन चली थी, अब उज्ज्वला योजना 2 के अंतर्गत उनको दिए जा रहे हैं। तो हर आदमी चाहता, अब तो जो आवाज जो रह रहा है, जो हर आदमी को रहने का अपना जो जिस जमीन पे वो रह रहा है उसका अधिकार है कि उसका भू अधिकार हो, वो अधिकार भी उन्हें दिया जाएगा। तो इसलिए अब सब लोग चाहते हैं कि हमें भी जो लोग छूट गए उनको भी फायदा मिल जाए, जिनको अभी तक नहीं मिल पाया, इसलिए सब लोग भारतीय जनता पार्टी को जिता रहे हैं। यही मैं सवाल जोड़ रहा हूँ कि कांग्रेस के वोट काहे ना दे आदमी, काहे ना दे? देखिए, अब कांग्रेस को मौका दिया था, कांग्रेस खुद नहीं चला पाई, लोगों के काम नहीं करे उन्होंने, इत लंबे समय तक कांग्रेस सरकार में भी रही, ना ऐसी योजनाएं उन्होंने बनाई जिससे लोगों को भलो हो, अगर इक्की दुक्की योजनाएं भी बनाई तो उनका लाभ नहीं उन लोगों को मिला, इसलिए अब कांग्रेस में कोई ज़्यादा कुछ बचा भी नहीं है। और वो लोग अपने अपने खुद की बात करते हैं, ना तो कोई जनहित की कोई बात करते हैं, इसलिए लोगों का विश्वास अब भारतीय जनता पार्टी में, नरेंद्र मोदी में, शिवराज सिंह चौहान जी में, और हमारे तो 22 विधायक थे, आपको पता है हम तो खुद ही मंत्री थे, सिंधिया जी के साथ हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन लिया। आप देख लीजिए आप कितने विकास के काम मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। तो भैया जयते हमारे संग प्रोग्राम चौधरी जी, मध्य प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री हैं, और सबसे बड़ी बात जो थी कि कुछ समय पहले कांग्रेस में थे और कांग्रेस से जब सिंधिया जी के संग भाजपा में आए तो हमें लगो इनसे बेहतर कोई स्थिति क्लियर नहीं कर सकते कि कांग्रेस के वोट काहे ना दो और भाजपा के वोट काहे दो चाहिए। और आप चाह भी रहे हैं कि अब चूंकि मतदाता भ्रम की स्थिति में आ जाते हैं, जैसे जैसे चुनाव की बेरा आगे हो जात वैसे ही भ्रम बढ़ जात, असमंजस की स्थिति हो जात, कौन तरफ माहौल है कौन तरफ नहीं है, तो मीडिया को जो कर्तव्य है कि मतदाता के मन से भ्रम खत्म हो। और यही बात हम कांग्रेस भाजपा और सबके पास लेके पहुंच रहे हैं कि तुम्हें वोट काहे दें, तुम्हें काहे ना दें, इसे मतदाता को असमंजस दूर हुई है। फिलहाल वही हम ले रहे थे, आपने समझ दो, धन्यवाद।